हेलो यस, मैं हूँ कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। यस, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फैमिली सेविंग अकाउंट कहलाता है या परिवार बचत खाता कहलाता है। तो इस तरह के खाते में आप अपने फैमिली के सभी मेम्बर्स के खातों को कंबाइन कर सकते हो। तो इस तरह के खाते की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएँ हैं इस खाते की, क्या क्या सुविधाएँ इसमें आपको मिलने वाली है परिवार बचत खाते में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यस, एक फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबरों का खाता किसी न किसी बैंक में जरूर होगा। तो आज के ज़माने में बिना खाते के कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है और हर व्यक्ति को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। सब में आपको पैसा रखना होता है। अगर आप अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस वसूलती है, जिसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस के रूप में जाना जाता है। तो व्यस, इसी समस्या के समाधान को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने फैमिली सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, जिसमें आप अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के खाते को एक कंबाइन कर सकते हैं और उसमें जो भी बैलेंस रहेगा वह सिर्फ एक ही खाते में मैनेज करना होगा। यानी कि मिनिमम बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है वो सिर्फ एक ही खाते में करना है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनके खाते में मिनिमम बैलेंस रहे या ना रहे उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होता है। और साथ में और भी कई सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री हैं। व्यस, बैंक ऑफ बड़ौदा के फैमिली सेविंग अकाउंट में मिनिमम फैमिली के 2 सदस्य लेकर 6 सदस्यों तक हो सकते हैं। यानी किसी फैमिली में अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं तो भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है। तो इस तरह से मैक्सिमम आप 6 मेंबर्स तक का अकाउंट इस फैमिली स्कीम में आप ऐड करवा सकते हैं। तो इस फैमिली सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत अभी आपको बताई कि इसमें आपको सिर्फ एक ही खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, बाकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके खाते में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा फायदा इस अकाउंट में यह है कि इसमें आपको जो भी चेकबुक मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें आपको नहीं देना है। आप कितने भी चेकबुक यूज करें आपको एक भी पैसा इसके लिए नहीं देना है। आपको ये सुविधा बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसके अलावा आपको इस अकाउंट पर SMS और ईमेल अलर्ट की सुविधा भी फ्री में मिलेगी। आपने देखा होगा कि कई सारी बैंक हैं जिसमें SMS अलर्ट्स के लिए या ईमेल्स के लिए कुछ ना कुछ वो चार्जेस काटते हैं, लेकिन अगर आपने फैमिली सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो ये सुविधा आपको इसमें फ्री में मिलने वाली है। व्यस, इसके अलावा इसमें एक सुविधा आपको और फ्री में मिलने वाली है, वो है NEFT और RTGS की सुविधा। कई सारी बैंकों में जब आप ऑनलाइन पैसा किसी को NEFT या फिर RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक इसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस काटते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली सेविंग अकाउंट के द्वारा NEFT या RTGS करवाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ब्रांच के द्वारा करें, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये सुविधा भी आपको फ्री में मिलेगी। अभी और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो आपको इस अकाउंट में मिलने वाली है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत यूजफुल है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फैमिली सेविंग अकाउंट। तो जान लेते हैं हम अगली सुविधा के बारे में। तो वो है फ्री में डिमांड ड्राफ्ट या कहें DD बनवाने की सुविधा। व्यर्थ, जब आप किसी बैंक में DD बनवाने के लिए जाते हैं तो उसका कोई ना कोई शुल्क लगता है। वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए की DD बनवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसका चार्जेज भी आपसे वसूला जाता है। लेकिन अगर आप इस फैमिली सेविंग अकाउंट में खाता खुलवाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस इसमें नहीं देना है। ये सुविधा भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है इस अकाउंट पर। इसके अलावा व्यर्थ, अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे शेयर खरीदना, शेयर को बेचना या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप जो पैसा लगाते हैं, तो इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो दूसरे बैंक डीमैट अकाउंट पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वसूलते हैं, लेकिन फैमिली सेविंग अकाउंट में ये सुविधा भी आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, कई सारे बैंक चेक क्लियरिंग का चार्जेस भी वसूलते हैं, लेकिन ये सुविधा भी इसमें आपको फ्री में मिलेगी। व्यूअर्स, अगर आप कोई लोन लेते हैं, रिटेल लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इस प्रकार का कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग शुल्क लगता है
वो भी इसमें आपको नहीं देना होगा। 100% प्रोसेसिंग फ्री लोन आपको इस अकाउंट पर मिल जाएगा, जबकि और बैंक इसके लिए प्रोसेसिंग चार्ज लगाते हैं और कई सारे हिडन चार्ज भी लगाते हैं। तो इस प्रकार व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें आपको इसमें फ्री में मिल रही हैं। इसके अलावा हम बात करें डिजिटल बैंक की, तो डिजिटल बैंकिंग में भी आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मिस कॉल फैसिलिटी, 24/7 लाइव चैट, यानी कि आप ऑनलाइन चैटिंग के द्वारा भी बैंकिंग सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा व्यर्स आपको इसमें व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा भी फ्री में मिलती है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इस अकाउंट पर आपको क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा फ्री में मिल जाती है। अब व्यर्स हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट पर हमें मंथली मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। तो व्यर्स इस अकाउंट में हमें मंथली बैलेंस मेंटेन करना है तो वो है 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये कम से कम आपको इस फैमिली अकाउंट में रखना होगा। और मैक्सिमम आप इसमें 6 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं जो कि क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी 6 लोगों को इसमें आप ऐड कर लें, क्लोज रिलेशन की होनी चाहिए, तो आप उन फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के फैमिली सेविंग अकाउंट के बारे में। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।